अबाउट लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन को समझने के लिए एनांटियोमर शब्द को समझना बहुत ही आवश्यक है। एनांटियोमर शब्द एनांटियोमॉर्फ शब्द से बना है। एनांटियो का अर्थ होता है विपरीत, अपोजिट, मॉर्फ का अर्थ होता है आकार, फॉर्म। एनांटियोमर मिरर इमेज होती है। जैसे कांच में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारी राइट साइड लेफ्ट, लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, उसी तरह लिवोसिट्रिजिन प्रतिबिंब होता है या मिरर इमेज होती है सिट्रिजिन की। लिवोसिट्रिजिन एनांटियोमर होता है यानी मिरर इमेज होता है सिट्रिजिन का। किसी भी एनांटियोमर को बताने के लिए दो क्लासिफिकेशन होते हैं, आर तथा एस। आर की फुल फॉर्म रेक्टस होती है, इसका मतलब राइट होता है, इसे माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एस की फुल फॉर्म सिनिस्टर होती है, जिसका मतलब लेफ्ट होता है, इसे प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग। लिवोसिट्रिजिन सेकेंड जनरेशन की एंटी हिस्टामिन ड्रग है। H1 रिसेप्टर, यह रिसेप्टर हिस्टामिन के लिए होता है। रिसेप्टर कोशिका भित्ति या सेल वॉल पर पाए जाते हैं। रिसेप्टर चार प्रकार के होते हैं, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। हिस्टामिन के लिए जो रिसेप्टर कोशिका भित्ति या सेल वॉल पर पाया जाता है वह जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, इसे H1 रिसेप्टर कहते हैं। एंटागोनिस्ट का अर्थ होता है नॉर्मली जो चीज जहां जुड़ती है उस चीज की जगह कोई और ले लेता है। जैसे H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन जुड़ता है, लेकिन लिवोसिट्रिजिन हिस्टामिन की जगह ले लेता है तथा H1 रिसेप्टर से जुड़ जाता है, और इस तरह वह हिस्टामिन को जुड़ने नहीं देता। इस तरह लिवोसिट्रिजिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। लेस सिडेशन, तुलनात्मक रूप से यह बहुत ही कम नींद जैसा उत्पन्न करता है। ट्रेड नेम ज़ाइजल तथा लिवोज़े, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, इसे मुख द्वारा लिया जाता है। मेटाबॉलिज्म हिपेटिक, लीवर में 14% होता है, बचा हुआ 86% बिना परिवर्तित हुए किडनी और मल द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, टर्मिनल हाफ लाइफ या टी हाफ, इसका 6 से 10 घंटे होता है। हाउ टू यूज वंस डेली इन द इवनिंग, रोजाना शाम को दिन में एक बार। बाय माउथ विथ और विदाउट फूड, मुख द्वारा भोजन के साथ या उसके बिना। इफ यू आर यूजिंग लिक्विड फॉर्म, मेजर द डोज केयरफुली, अगर आप लिक्विड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो डोज को अच्छी तरह माप लेना चाहिए। डोज 5 to 10 mg, 5 से 10 मिलीग्राम। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसमें नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है। पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस, पेरेनियल का मतलब होता है चीर स्थायी, लंबे समय तक चलने वाली एलर्जिक राइनाइटिस। क्रोनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, लंबे समय से चला आ रहा अज्ञात कारण से होने वाला अर्टिकेरिया। लिवोसिट्रिजिन की डोज इसमें होती है एडल्ट 12 वर्ष और उससे ऊपर की एज वालों के लिए 5 mg, और ओरल सॉल्यूशन के रूप में है तो 10 ml ओरल सॉल्यूशन, शाम को दिन में एक बार देते हैं। 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए 2.5 mg या ओरल सॉल्यूशन के रूप में है तो 5 ml ओरल सॉल्यूशन देते हैं, शाम को दिन में एक बार। 6 months to 5 years, 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए 1.25 mg या ओरल सॉल्यूशन के रूप में है तो 2.5 ml ओरल सॉल्यूशन, शाम को दिन में एक बार देते हैं। इन रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किडनी से संबंधित समस्या है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, कम समस्या है तो 2.5 mg वंस डेली, शाम को दिन में एक बार देते हैं। मॉडरेट प्रॉब्लम है, मध्यम प्रॉब्लम है तो 2.5 mg एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर एक दिन देते हैं। सीवियर प्रॉब्लम है तो 2.5 mg ट्वाइस वीकली, वीक में 2 बार देते हैं। एंड स्टेज एंड हीमोडायलिसिस पर है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यूज्ड फॉर लिवोसिट्रिजिन का प्रयोग, वॉटरी आईज, आंख से पानी आना, रनी नोज, नाक से पानी आना, इचिंग आईज नोज, खुजली होना आंख में तथा नाक में, स्नीजिंग, छींक आना, हाइव्स या अर्टिकेरिया, यह स्किन प्रॉब्लम है जिसमें शरीर पर लाल रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं और इनमें खुजली होती है। जब ये दाने आपस में मिलते हैं तो प्लाक बनाते हैं, उस एरिया को प्लाक कहते हैं। एलर्जिक कंडीशन, ईयर राउंड एलर्जी, साल भर तक चलने वाली एलर्जी, स्वेलिंग इन द स्किन, त्वचा पर सूजन होना, हे फीवर, यह एलर्जिक राइनाइटिस होता है। इसमें जब वातावरण में उपस्थित पॉलन या पुंकेसर और धूल के कण जब नाक के अंदर प्रवेश करते हैं तो इम्यून सिस्टम उस पर ओवर रिएक्ट करता है, जिसके कारण नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, नाक से पानी निकलता है, छींक आती है तथा आंख लाल हो जाती है, आंख के आसपास के एरिया में सूजन आ जाती है,
आंख से पानी निकलता है। साइड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, अत्यधिक नींद आना, टायर्ड फीलिंग, थका हुआ महसूस होना, वीकनेस, कमजोरी महसूस होना, ड्राई माउथ, मुख का सूखापन, कॉन्स्टिपेशन, भोजन का ठीक से न पचना, वेट गेन, वजन बढ़ना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया, अतिसार, साइनस पेन। साइनस क्या होता है? नोज के आसपास के एयर फिल्ड कैविटी होती है, खाली जगह होती है। इनके नाम है, साइनस के नाम है फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस, स्फेनोइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। इन साइनस में पेन होता है, दर्द होता है, स्टफी नोज, नोज के सिक्रीशन अधिक हो जाते हैं, उसमें म्यूकस अधिक बनता है, सॉर थ्रॉट, गले में खराश होना, इरिटेशन होना, पेन होना, कफ, खांसी होना। सीरियस साइड इफेक्ट, घातक साइड इफेक्ट, नोज ब्लीड, नाक से ब्लड निकलता है, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आते हैं तथा बेहोशी जैसा लगता है, पेन एंड फुलनेस इन ईयर, कान में दर्द होता है तथा भरा हुआ सा महसूस होता है, एजिटेशन, एजिटेशन एक इमोशनल डिस्टर्बेंस की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है तथा चिंतित रहता है, जो कि उसके बिहेवियर से भी पता चलता है, अग्रेशन, बहुत ज्यादा हिंसक रूप से क्रोधित होना, डिप्रेशन, हताश होना, हेल्यूसिनेशन, जो चीजें नहीं है वो दिखाई देती है, सुनाई देती है, भ्रम पैदा होता है, नंबनेस और टिंगलिंग अराउंड लिप्स और माउथ, नंबनेस, सुन्नता महसूस होती है तथा बहुत सारी सुइयां एक जगह जब टच करती है एक साथ और हटती है, उस समय जो फीलिंग होती है वो टिंगलिंग होती है, झिझनाहट, लिप्स, होठों और मुख के आसपास, जॉन्डिस, फीवर, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, डार्क कलर्ड यूरिन, मूत्र त्याग करते समय बहुत ही दर्द होता है और मुश्किल से मूत्र त्याग होता है और डार्क कलर का मूत्र निकलता है, फॉल स्मेल, स्टूल, दुर्गंधित मल त्याग। जाइजल इंट्रैक्शंस, जाइजल या लियोसिट्रिजिन, इसकी अन्य ड्रग्स के साथ भी रिएक्शन देखी जाती है या प्रतिक्रिया देखी जाती है, जैसा कि रिटोनवीर, थियोफाइलिन, एंटी डिप्रेजेंट्स, सिडेटिव्स, स्लीपिंग पिल्स, ड्रग फॉर एंग्जाइटी, मेंटल इलनेस, मानसिक रोगों में सेजर, सेजर क्या होता है? ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है जिससे शरीर में झटके आते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होते। और ट्रैंक्यूलाइजर्स, ट्रैंक्यूलाइजर्स वे मेडिसिन होती है जो कि चिंता को कम करती है, रिड्यूस करती है, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस जो होती है उसको कम करती है। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।